हमारा देश भारत विविध मान्यताओं का मिश्रण है, जहां एक तरफ विजयदशमी यानी कि नवरात्रि के 10वें दिन लोग रावण का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाते हैं, तो उसी दिन इस धरती पर रावण की पूजा भी की जाती है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से 226 किलोमीटर दूर कानपुर में विजयदशमी के मौके पर रावण की पूजा की जाती है। यहां पर 100 से ज्यादा अधिक साल पुराना दशानन का मंदिर है, जिसे केवल दशहरे के दिन ही खोला जाता है। सुबह इसमें रावण की पूजा होती है और शाम को रावण दहन के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यहाँ रावण को उसके ज्ञान के लिए पूजा जाता है। देखिए, रावण का महत्व यह है कि हम लोग जो है आज के दिन दशहरे वाले दिन रावण का मंदिर खोलते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद में सायंकाल जो है इनका हम पूजन बंद करके और पुतला दहन होने के बाद में बंद कर देते हैं, जो कि साल में दशहरे वाले दिन ही खुलता है। अब क्यों हम पूजा करते हैं, हर आदमी सवाल करता है। पूजा हम लोग इनकी विद्या इनकी विद्वानता की करते हैं। रावण ने कहा था, मुझ सा ज्ञानी मुझ सा योद्धा त्रिलोक में और ना दूजा है, और अपने शीशों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। क्योंकि उससे जैसा विद्वान, उससे जैसा ज्ञानी, उससे जैसा बलशाली कोई नहीं था, खाली एक कमी थी, वो थे अहंकार। उस अहंकारी नामक हम लोग पुतला जलाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, और अपने बच्चों की दीर्घायु, इनकी बल बुद्धा की प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे बुद्धि, आप जैसा बल हमारे बच्चों को भी मिले। इसी कारण से हम इनकी पूजा करते हैं, और आज ही के दिन इनका जन्म भी हुआ था, हम लोग जन्मदिन भी मनाते हैं, और सायंकाल अहंकारी रावण पुतला फूंक करके हम लोग अहंकार को नष्ट करते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ रावण की छवि एक राक्षस की है, जिसने सीता माता का हरण किया और युद्ध में भगवान राम के हाथों मारा गया, तो वहीं रावण एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसने अपनी तपस्या से महादेव को भी प्रसन्न कर दिया था और उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया था। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में कानपुर ही नहीं, राजस्थान के जोधपुर में भी रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी पत्नी मंदोदरी जोधपुर के महाराजा मंडावर की बेटी थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर रह रहे दशानन के वंशज रावण का पुतला दहन करने से भी बचते हैं। इसके अलावा हिमाचल में कांगड़ा में रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी जगह रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था। ये तो बात हो गई उत्तर भारत की, पर दक्षिण भारत में अन्य देवताओं की तरह रावण भी एक देवता है, जिसकी रोजाना पूजा की जाती है।